समुद्र विज्ञान की कड़ी में हम आज कोरल रीफ के बारे में चर्चा करेंगे। कोरल एक कैल्केरियस रॉक्स होती है, मतलब चूना पत्थर से निर्मित चट्टाने हैं। अब ये चूना पत्थर बनता कैसे है, तो हम ये जानेंगे कि जो कुछ एक जंतु होते हैं, समुद्री जीव, जिसको हम पॉलिप कहते हैं। पॉलिप अपने चारों तरफ जो है शरीर से लिस लिसा पदार्थ निकालता है, और वो सने सने जमकर उसका स्केलेटन बन जाता है, और वो स्केलेटन धीरे धीरे एक जगह स्थान पर जमते जाए जमते जाए जमते जाएंगे, तो वो कोरल्स का निर्माण करते हैं। कोरल इसे कैल्केरियस चट्टानों का निर्माण करते हैं, और चूना पत्थर की चट्टान निर्मित हो जाती है, और सने सने ये छोटे छोटे आइलैंड्स का रूप ले लेती है। अब ये जो कोरल रीफ्स होते हैं और अटोल्स होती है, ये इनका निर्माण तो हमने समझ लिया, लेकिन इस के निर्माण में सहायक कारक क्या हैं, कौन सी कंडीशंस होगी तब ये निर्मित होंगे, तो उसमें मैंने पांच कारक लिखे हैं। पहला कारक है ट्रॉपिकल बेल्ट, मतलब जहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम नहीं होगा और 35 डिग्री से अधिक नहीं होगा। समुद्री जल का तापमान, जो सागरीय जल, महासागरीय जल जो भी है, जहाँ पर भी उसका तापमान है, वह 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे फेवरेबल जो टेम्परेचर है वो 23 से 25 डिग्री, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान रहेगा तो कोरल्स का विकास बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा कारक है सेलिनिटी। सेलिनिटी जो जल की है वह 27 से 40 के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 27 से 40 जो है वो इसकी फेवरेबल रेंज है। जहाँ पर ये कोरल्स बनते हैं उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जंतु जो रहेगा वो समुद्री जल में तैरता हुआ नहीं रहेगा, वह किसी चट्टान पर नीचे जो आधार कोई प्लेटफॉर्म होगा उस पर ये धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बनाएगा, और कॉलोनी बनाते बनाते ये चट्टानों का निर्माण करेगा। तो उसके लिए जो गहराई है जल की वह 200 मीटर से अधिक नहीं हो, जो सबसे फेवरेबल है वह है 50 मीटर। 50 मीटर अगर जल की गहराई है और नीचे उस पर प्लेटफॉर्म है, तो वो वहाँ पर आसानी से निर्मित जो है उसका विकास जो है तीव्र गति से होगा। फिर जो जल है उसमें सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब अगर जल के अंदर रेत के कण अधिक हैं तो वह इसके विकास में बाधा डालेंगे। तो स्वच्छ साफ पानी होना चाहिए, साफ क्लीन वाटर से मतलब है सेलाइन हो, मीठा भले ही ना हो, मीठा नहीं होना चाहिए, मीठा होगा तब भी नहीं निर्मित होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी लवणता होनी चाहिए, क्योंकि उस लवण से ही वह पोषण लेता है। समुद्री जल के अंदर जो लवण होता है उसी से वह पोषण लेगा, और उससे ही वह ग्रो करेगा। तो साफ पानी होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर वेव्स और करंट्स आती जाती रहे। तो उससे क्या होगा कि इसको बराबर लवण का पोषण मिलता रहेगा और जंतु का विकास अधिक होता रहेगा। फिर मैंने जैसा बताया, इसके नीचे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी गहराई 90 मीटर से अधिक ना हो, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता है, लवण की भी आवश्यकता है, और जल की भी आवश्यकता है, और तापमान की भी आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ें 90 मीटर की गहराई से अगर हम अधिक जाएंगे, 100 मीटर से अधिक, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस कारण से जो सबसे फेवरेबल डेप्थ है वह तो जैसा कि पहले बताया 50 मीटर, लेकिन अगर 90 मीटर से अधिक होगा तो वह कोरल्स वहाँ पर विकसित नहीं हो पाएंगे। अब ये हमने कंडीशंस तो देख ली किस कारण से कोरल रीफ विकसित होती है। अब अगर हम कोरल रीफ के प्रकार देखें तो तीन मुख्य प्रकार हैं। एक को हमने कहा फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा है बैरियर रीफ, और तीसरा है एटोल्स। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? फ्रिंजिंग रीफ होती है जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, मतलब जहाँ महाद्वीप महासागर से मिलता है, उस भाग में कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो, अगर उसकी गहराई औसतन 50 मीटर 90 मीटर है, तो वहाँ पर ये कोरल्स विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जब विकसित होंगे तो नीचे पहले छोटा छोटा, जैसे मैंने चित्र में दिखाया है, जो ब्लैक पार्ट है, डार्क किया हुआ जो पार्ट है, वो उस तटीय भाग पर इस तरह से निर्मित हो जाएंगे, जिसमें तट और रीफ के बीच में कुछ दूरी होगी और उसमें जल भी होगा। अब इसमें कभी कभार से इसके बीच में लेगूंस बन जाते हैं। लेगूंस होते हैं छिछला पानी जहाँ हो, स्थलीय भाग और कोरल्स के बीच में।
स्थलीय भाग और कोरल्स के बीच में जो छिछला जलीय भाग है उसको हम लगून कहते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ में आवश्यक नहीं है कि लगून हो, क्योंकि ये एक तरीके से पहली स्टेज है इनके डेवलपमेंट की। दूसरा है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में लगूनस पाए जाते हैं और बैरियर रीफ एक लगभग कंटिन्यूस है, जिसमें कहीं कहीं पर ब्रेक मिलेगा जिससे कि जल जो है अंदर प्रवेश कर पाए। अब बैरियर रीफ का मैंने चित्र बनाया है, देखो बीच में एक आइलैंड बनाया है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रूप में। तो इसका विकास अब आप देखो कि जो जल में डूबा हुआ आइलैंड है उस पर हुआ है, लेकिन बीच में इसके एक लगून बन गया है। बीच में मध्य में आइलैंड है और चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग है, तो इसको हम बैरियर रीफ बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से बाधा होता है उस आइलैंड तक पहुंचने में। फिर भी इसमें कंटिन्यूस नहीं होता है, इसमें भी ब्रेक्स मिलते हैं जिससे जल जो है अंदर आ सके और बाहर जा सके, क्योंकि पड़ा हुआ जल जो है उसके लिए कोरल रीफ्स के लिए हानिकारक होता है। तीसरा प्रकार है एटोल्स। अगर कोई सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब जल में डूबा हुआ प्लेटफॉर्म है जिस पर इन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, तो ये एक सर्कुलर रिंग के रूप में कॉलोनी बनाते 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 क्या होगा कि जल का जो ऊपरी भाग है, जो वाटर लेवल है, उससे इसका जो है ऊपर आ जाते हैं। ये निर्माण करते करते इनका जो है जो कैल्केरियस रॉक का फॉर्मेशन है वह जलीय भाग से ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है और एक पूर्णतः एक सर्कुलर पार्ट तुम्हें मिलेगा जिस पर जो कॉरल्स होंगे, कोरल की जो चट्टानें होंगी चारों तरफ गोलाई के रूप में, उस पर कभी कभी नारियल के पेड़ भी उगे हुए तुम्हें मिलेंगे। तो और बीच में बिल्कुल एकदम छिछला उसमें लगून का निर्माण हुआ मिलेगा। इस तरह के जो एटोल्स हैं वो प्रमुखतः पैसिफिक ओशन के अंदर मिलते हैं, पैसिफिक महासागर में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फिजी एटोल और ट्रेंट एटोल। बैरियर रीफ का एग्जाम्पल मैंने पहले देना बताना भूल गया था, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पूर्वी तट है उस पूर्वी तट पर कंटिन्यूसली काफ़ी दूर तक इस तरह के एटोल्स का निर्माण हुआ हुआ है। और बैरियर का मतलब होता है बाधा, मतलब वो समुद्री जल को तट तक पहुंचने में एक तरीके से बाधा डालते हैं, इसलिए इसका नाम भी बैरियर रीफ रख दिया गया है। हालांकि इसमें ब्रेक्स होते हैं जहाँ से जल अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, लेकिन फिर भी प्रमुख जो मेन जो पार्ट है काफ़ी दूरी तक वह समुद्री जल को प्रवेश करने में बाधा डालता है, तो इसलिए इसको बैरियर रीफ कहा जाता है। अब इसका हम देखें कि भाई हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, या इनके लिए स्वयं के लिए किस तरह से उपयोगी है। तो हम ये देखेंगे कि जो कोरल की कॉलोनीज होती है वह एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, मछलियाँ भी पाई जाएगी, एल्गी भी पाए जाएंगे, शेल्स भी पाए जाएंगे, स्नेल्स भी पाई जाएगी, तो ये विभिन्न प्रकार के जंतु यहाँ पर एक अलग इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं और यहाँ पर पलते बढ़ते हैं। इनके लिए एक सोर्स होता है फूड का, मतलब भोजन के लिए यहाँ पर भोजन को प्रचुरता में मिलता है, हर वर्ग के प्राणी के लिए यहाँ पर भोजन उपलब्ध रहता है, क्योंकि जंतुओं में की बहुलता यहाँ समुद्री जंतुओं की बहुलता अत्यधिक होती है। तो दूसरा इसमें कि भी जो तटीय भाग हैं उसको इरोजन से रोकते हैं, अपरदन में ये बाधा डालते हैं। तटीय भाग पर अगर वेव्स और करंट्स अगर निरंतर पड़ती रहती है तो तटीय भाग धीरे धीरे अपरदित होता जाता है। तो अगर ये इनका चूना पत्थर की चट्टानों का निर्माण हो जाएगा तो उस कारण से अपरदन भी कम हो जाता है। फिर ये इनके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि चूना पत्थर है तो प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम इनके अंदर मिलता है, तो जैसे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके किसी दांत उगने में बाधा आ रही है तो इनसे दवाइयों का निर्माण होता है, जो कैल्शियम की टेबलेट्स होती है वो उसका निर्माण इन चूना पत्थर से किया जाता है। इसके अलावा भी कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी और भी है। फिर ये जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में कार्बन और नाइट्रोजन है उसके फिक्सेशन में भी इनका महती जो है भूमिका है। तो हमने कोरल रीफ्स के बारे में जाना, आप इसको पुस्तक से और पढ़िए और इस पर इंटरनेट पर जो चित्र उपलब्ध हैं उनको देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने हाथ से कुछ चित्र बनाने का प्रयास किया है, हो सकता है उससे वो तुम्हें ऐसे समझ में ना आए, लेकिन अगर तुम एक बार ये लिखो कि फ्रिंजिंग रीफ और उसकी इमेजेस को क्लिक करो तो तुम्हें आसानी से चित्र समझते ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और
जो मैंने नोट्स तुमको बना के दिए ही हैं, इसके अलावा भी तुम अपने हाथ से बनाने की प्रयास करो, तो तुम जब दोबारा इसको लिखोगे तो तुम्हें अच्छे से ये याद हो जाएगा। फिर भी प्रश्न रह जाते हैं तो आप अवश्य पूछें। धन्यवाद।